की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट आते हैं। मैंने 15 तारीख को अपलोड की थी जिसमें आपको मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई थी जो कि आपको पूरा का पूरा 100% आपकी परफेक्ट है और उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो पहले वॉच करें उसके बाद ये वीडियो आगे कंटिन्यू की जाए। तो आज तो आई लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके थ्रू जाके वो वीडियो को रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के अपडेट और आने वाले वक्त में मार्केट क्या कर सकती है, कैसे रिएक्शन देगी, इसके बारे में हम लोग डाटा के अनुसार आगे काम करेंगे और पता करेंगे कि किस तरीके से हम लोग आगे स्ट्रेटेजी बना के आगे और मार्केट का जो ट्रेंड है आप देख सकते हैं सोमवार को नेगेटिव हुआ है, तो किस तरीके से हम इसमें से मार्केट को समझ सकते हैं और आगे कैसे ट्रेड ले सकते हैं या आगे कैसे इसको समझे क्या करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कृपया करके इसमें दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इसमें से कोई भी ट्रेड लेना हो या आपको कोई सजेशन इसमें से पसंद आ रही हो तो उससे पहले कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर और पर्सनल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट कर ले, उसी के बाद आप इस वीडियो को से रिलेट होकर इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें हम लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, बाकी ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप पेपर ट्रेडिंग करिए और आपको मैंने एक ग्रुप पर आई लिंक पे एक वीडियो और डाल दी है, उस वीडियो पे आप जाके मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर रजिस्टर करके आप एक बिगिनर्स हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है वाली वीडियो, अगर नहीं है तो आप वहाँ पर जाके स्किल्स अपने बढ़ा सकते हैं। आप वो वीडियो एक बार देखिए उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको शेयर मार्केट में बिजनेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि 21 दिसंबर 2020 को मार्केट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा फॉल आया और आने वाले वक्त पे जो मार्केट रहेगा क्या रिएक्ट करेगा। तो 31 दिसंबर तक की जो ओवरव्यू था वो तो मैंने ऊपर आई लिंक पे आपको वीडियो दे रही है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। बाकी तो देखिये जैसे कि मैं आया हुआ हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेबसाइट पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस 51 रुपीज आज ब्रेक हुआ है, अराउंड 2.60% इसने आज फॉल दिया है। तो एक इसके अंदर नेगेटिव न्यूज भी आई थी, इसका जो मर्जर होना था HCL से तो वो शायद इसमें नेगेटिव न्यूज है, मतलब वो हो नहीं पाएगी वो डील वो, तो इस वजह से इसमें आज गिरावट नजर आई और जिसके वजह से इसने निफ्टी को भी पूरा पूरा गिरा दिया। तो निफ्टी की गिरावट आप देख सकते हैं, ये देखिए 1846 तक लो बना के गया है आज ये, और मार्केट भी आप जानते हैं 13139 के आसपास आज लो बनाया इसने। तो चलिए देखते हैं कि देखिए यहाँ पर 13328 का आज क्लोजिंग दिया इसने, वहीं पर लो बना के आया 208 का, यहाँ पर लो दिखा रहा है 131 का। तो इस चार्ट पे आपको शो नहीं करेगा ढंग से, तो मैं आपको इसको इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर जाके शो कर देता हूँ। फिलहाल हम लोग देखते हैं ऑप्शन डाटा के हिसाब से, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था कि आप किस तरीके से ऑप्शन में स्ट्रेटजी बना के आप उसमें से प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं और अपने शेयर मार्केट के स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त पे वीडियोस क्या के हिसाब से और डाटा के हिसाब से मार्केट की क्या रिएक्शन हो सकती है और किस तरीके से मार्केट आगे रिएक्ट करेगी। तो हम लोग आ जाते हैं NSE इंडिया की ऑप्शन चेन की वेबसाइट पर और इसमें एक बार हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या आगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है या किस तरीके से मार्केट को आगे चलना चाहिए, मूवमेंट देनी चाहिए डाटा के हिसाब से। तो हम लोग आ जाएंगे सीधा 31 दिसंबर के डाटा पे आ जाएंगे, बिकॉज आज मार्केट काफी गिर गया है, 3% के आसपास गिरा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर -3.14% आज गिरा है, जिसके वजह से आज काफी चेंजिंग हुई होगी ऑप्शन डाटा में भी, पोजीशंस भी कटी होगी और वाइंड अप हुई होगी। तो देखा जाए आज क्या इसमें चेंजिंग आई है और एक्सपायरी तक के लिए हम क्या इसमें स्ट्रेटजी बना के रह सकते हैं और काम कर सकते हैं इसमें। तो जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, तो पिछले हफ्ते में मैंने आपको बताया था 13500 भी आपको जहाँ पर आपका रेंज था वहाँ से आपको बताया था 13700 से 800 के बीच में एक बार जाएगा, वहाँ से डिप मारेगा, तो वह वहीं से डिप मारा है ये, और आपको ये भी बताया था कि डिप मारेगा तो ये आपको 13000 और 12500 की पुट आपको ब्लॉक कर लेनी है यहाँ से। तो जो स्ट्रेटजी को समझ गए हैं तो उन्होंने तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी अब मैं आपको बता दूँ अगली वीडियो मतलब आने वाले वक्त पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाइंड अप हो चुका है 13200 पे और हैवी वाइंड अप है यहाँ पर, माइनस मतलब 9,34,000 की वाइंड अप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मतलब ओपन इंटरेस्ट आप देखिए तो 21,12,000 की ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 9,34,000 वाइंड अप हो चुका है। और वहीं पर हम लोग नीचे आए तो 3,23,000 की पुट पे वाइंड अप हो रखा है और देखिए 13,000 पर 3,00,000 शेयर्स के वाइंड अप हो रखी है। वहीं पर ही हम लोग देखिए तो 12,900 का 1,44,000 हो रखा है। तो ठीक है, और हम लोग अब आ जाते हैं कॉल्स की तरफ।
एक मिनट में जरा पेन निकाल लो जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझाने के लिए। तो हम लोग अब आ जाते हैं कॉल्स की तरफ। तो कॉल्स की तरफ के लिए पूरा का पूरा ओपन है, यहाँ पर कहीं वाइंड अप आपको नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब मार्केट अभी एक बार बंप मारेगी यहाँ से। तो बंप मारने का जो है का थोड़ा सा आप दे सकती है मार्केट एक झटका, ऊपर की साइड एक झटका देगी। वो देखना रहेगा झटका किस साइड रह सकता है। बाकी देखें यहाँ पर एक वाइंड अप नजर आ रही है आज के दिन। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी देखें 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट हुआ, मतलब 13 लाख का सपोर्ट बना के रखा हुआ है इसने, 13,000 का सॉरी 13,000 का इसमें सपोर्ट बना हुआ है। बाकी आगे देखा जाए तो अब हम लोग आते हैं नीचे 12,500 पर देखते हैं। 12,500 पर 25 आगे वाइंड अप हो रखी है कॉल्स पर। वहीं पुट पे आ जाए तो यहाँ पर चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर 84,000 की है, वहीं पर 98,000 है, 12,600 पर वाइंड अप होते हुए नजर आई है। 12,900 पे देख सकते हैं, 13,000 पे देख सकते हैं। ये सब डाटा आपको नेगेटिव दिखा रहा है जिसकी वजह से मार्केट एक बार ऊपर की साइड कूदने के लिए तैयार है थोड़ा सा। तो मार्केट एक बार ऊपर की साइड छलांग मारेगी तो आप केवल 1 से 2 दिन के लिए, या मतलब समझ लीजिए आपको 30 से 40% बस निकालना होगा आने वाले वक्त पे। तो इंट्राडे बेसिस पे ले सकते हैं या तो फिर 2 दिन के लिए आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो आप आने वाले वक्त पे क्या करेंगे, आपको सिंपल सा अभी आपको यहाँ पर छोटी सी लागत का आपको 103 रुपये की जो अभी बिडिंग प्राइस चल रही है पर 13,500 की, उसको आपको बाइंग करके चलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 104 रुपये की जो कि लगभग आपके 7500 के आसपास आपको 1 लॉट ब्लॉक कर देगा, अराउंड 800 के आसपास होगा, 8000 के आसपास सॉरी। तो यहाँ पर आप 8000 यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं और आराम से यहाँ पर 4000 तो आपको मिल ही जाएगा इसमें। प्लस इसके साथ साथ आप इसमें एक जैसे ही आपका 4000 यहाँ पर आ जाए तो आप यहाँ पर एक पुट बाय करें जो कि रहेगी 13400 की, मीन्स ये वाली जो पुट रहेगी ये आपको उस वक्त बाइंग करनी होगी। और उस वक्त जो प्राइस इसका होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। अगर आपका बजट है आपके पोर्टफोलियो में तो आप इसको तुरंत इसको आप जैसे ही आपको यहाँ पर एग्जिट करना है आपको तो 4000 का या 5000 के आसपास जैसे आपको प्रॉफिट गेन हो जाए यहाँ पर तो आप यहाँ पर इजीली इसको बाइंग कर सकते हैं जो कि आपको 160 से लेके 180 रुपए के बीच में इजीली आपको मिलेगा बहुत आराम से। हो सकता है आपको 120-130 रुपए में मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 120 रुपए से लेके 160 रुपए के बीच में इसको बुक कर लेना है। और बुक करने के बाद इसको आपको इसको होल्ड रखना है कब तक के लिए, एक्सपायरी तक के लिए। अगर एक्सपायरी से पहले आपको इसमें प्रॉफिट नजर आता है 50% से 80% के बीच में तो आप इसमें से एग्जिट कर जाइए आराम से और ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। बाकी जो अगली कॉल अगली जो स्ट्रेटजी होगी वो मैं आपको आने वाली की वीडियो पे बना के बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें तभी आपको ये ऑप्शन स्ट्रेटजी समझ में आएगी। और आपको ये ऑप्शन स्ट्रेटजी केवल इंट्राडे बेसिस पे रखना है और स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करना होगा। और ये पेपर ट्रेडिंग स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, प्लीज़ पेपर ट्रेडिंग करें। और अगर आप रियल फंड से करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें ताकि आपका जो भी डिसीजन हो वो आपका मेकिंग रहे। ओवरऑल चलता हूँ मैं, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। गुड बाय, सी यू देन।